जमीन पर सेना, आसमान में पहरेदार, पंख भी है और पंजे भी, तो सर पर वो त्रिनेत्र भी जो दुश्मन पर निगाह रखता है। तो सरहद पार से आया कोई भी उड़ता शत्रु इसके प्रहार से बच नहीं पाता है। दस हजार फीट पर जंग का ट्रेलर, देवभूमि में चीन के दो दुश्मन, ताकत, तकनीक, तजुर्बा और तूफान, हर चीज है यहां। और उस पर कमांडो त्रिनेत्र का पहरा। हिंदुस्तान के जब ऐसे प्रहरी हो तो दुश्मन की क्या मजाल कि वो अपनी नापाक निगाह तक इसकी सीमा पर डाले। तो दुश्मन के नए काल से भी आपका तारुफ करा देते हैं। चील की निगाह से कौन बच पाया है, और हिंद के इस कमांडो को तो त्रिनेत्र है। ऐसे में दुश्मन भले कितनी भी कोशिश कर ले, उसका नेस्तनाबूत होना तय है। क्योंकि सेना के इस शूरवीर को वो ट्रेनिंग दी गई है कि ये पल में दुश्मन के किसी भी भेदी को ढेर कर सकता है। उसको ट्रेन किया गया है किस तरह से इसने, अगर ऐसे कोई ड्रोन उड़ते हैं तो उनको कैसे नीचे गिराना है, क्या कुछ करना है और किस तरह से बॉर्डर के आसपास की पिक्चर्स इनको लेनी है, ये सारी गतिविधियां इस चील के जरिए आप देख रहे हैं, जिसे आरवीसी मेरठ में ट्रेन किया गया है। और भारतीय सेना इसका बखूबी प्रयोग करती है बॉर्डर के इलाकों में, या फिर ऐसे गाँव जिनमें कहीं अगर आतंकवादी यहां पर घुसते हैं तो किस तरह से इनका प्रयोग किया है। अब इस कमांडो त्रिनेत्र के साथी से भी आपको मिलवाते हैं, सेना का ये डॉगी इसका वॉर्मेट है। इधर इस स्निफर ने दुश्मन के ड्रोन की आवाज सुनी, उधर इसने इशारा कर दिया और फिर कमांडो चील ने अपने अचूक वार से हवा में उड़ते ड्रोन को मिट्टी में मिला दिया। ये एक एंट्री ड्रोन चील है और इसे इस तरह से ट्रेंड किया गया है कि दुश्मन ड्रोन इसकी पकड़ से बचकर न जा पाए। इस कमांडो चील का काम दुश्मन के ड्रोन को नष्ट करना, बॉर्डर क्षेत्रों की पिक्चर क्लिक करना, ड्रोन गतिविधियों पर निगाह रखना है। तो इसकी उड़ान का पूरा फायदा भी इंडियन आर्मी को मिल रहा है। कुल मिलाकर आर्मी डॉग और कमांडो चील का ये कॉम्बिनेशन डेडली है। इस वक्त देखिए आप, जो बॉर्डर पे तमाम एक्टिविटी होती हैं स्नीफर डॉग्स के जरिए होती हैं, और ब्लैक काइट यहाँ पर है, यानी एक चील के जरिए जिसमें ड्रोन से जिसे लैस किया गया है, जिसे स्पाई कैमरों से लैस किया गया है, उसको भी अब आगे की ओर भेजा जाएगा। और ये तमाम गतिविधियाँ आपको यहाँ पर दिख रही हैं जिनके ज़रिए पूरी चौकसी बॉर्डर पर की जाती है। इस तरह की अगर गाँव में कहीं पर कोई ऐसे ऑपरेशन होता है तो उसके लिए इनका प्रयोग कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए एक स्नीफर डॉग को लाया गया है, स्नीफर डॉग ठीक सामने है। चीन से 100 किलोमीटर दूर इंडो अमेरिका आर्मी की वॉर प्रैक्टिस जारी है, तो जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे चीन का कलेजा जरूर कांप रहा होगा। आप खुद इस जॉइंट वेंचर को देख लीजिए। इस वक्त आप देखिए भारत और अमेरिका की जो सेना है वो एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन कर रही है। किसी घर में सूचना है कि कोई आतंकवादी घुसे हैं, कुछ लोगों को बंधक बनाया है, ये तमाम टीमें आपको दिख रही हैं। सबसे पहले दरवाजे के पास इन्होंने एक आईडी लगाई है जिससे कि दरवाजे को उड़ाया जा सके। इस दरवाजे को थोड़ी देर में उड़ाया जाएगा, आप देखिए इसके अंदर घुसने की तैयारी है, और जैसे ही ब्लास्ट किया जाएगा उसके बाद धीरे धीरे ये टीम आगे की ओर बढ़ेगी। आप देखिए ठीक सामने और दरवाजे में ये ब्लास्ट हुआ है, एक आईडी ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद अंदर की ओर टीम जा रही है। अंदर जाकर जो होस्टेस है उसको बचाने की कोशिश है और उसी की पूरी एक कवायद की जा रही है। इसमें भारतीय सेना के साथ अमेरिका की सेना भी है और यही जॉइंट एक्सरसाइज है, किस तरह से कभी अगर ज़रूरत पड़ती है तो उस वक्त कैसे आप साथ में काम करेंगे, कैसे आप दोनों टीमों का जो व्यवहार होगा वो होगा। और एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा है और ललकार है, प्रहार है, दो दोस्त हैं और वो देवभूमि की धरा भी है जहां असंभव को संभव किया जा रहा है। इन तस्वीरों को देख
किस हिंदुस्तानी का सीना गर्व से न फूल जाए, तो दुश्मन के लिए ये तस्वीरें एक अलार्म भी है। जोशीमठ के ओली से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज स्टेट। खबर लगी कि एक गांव में कुछ आतंकवादी घुसे हुए हैं। सेना ने एक्शन कर गांव को क्लीन कर दिया, तो इस ऑपरेशन में कमांडो त्रिनेत्र का साथी एक स्नीफर डॉग दुश्मन के खिलाफ घातक हथियार के तौर पर काम आया। तो सेना की तकनीक ने इस ऑपरेशन को चंद मिनटों में अंजाम तक पहुंचाया। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे। आइसोलेशन ऑफ विलेज की ड्रिल तब की जाती है जब भी हमें यह पता होता है कि कोई भी हॉस्टाइल वहां पर मौजूद है। दो टीमें पूरी तरह से तैयार हैं और ये दोनों टीमें थोड़ी ही देर में यहां से मूव करेंगी। किस तरह से मोर्चा संभाल रहे हैं, एक दूसरे को कवर फायर दे रहे हैं, अगर कहीं से पीछे से कोई दिक्कत होगी तो वो टीम रेस्पॉन्ड करेगी। स्नीफर डॉग ने एक आतंकवादी को पकड़ा है, देखिए एक आतंकवादी को पकड़ा गया है यहाँ पे। स्पेशल तरीके से जो पूरा नेट है उस नेट को लेके टीमें चल रही हैं आगे, और किसी भी तरीके से पत्थर का कोई असर ना हो ये सारी चीजें की जा रही है। इलाका कोई भी हो, दुश्मन जहां भी छिपा होगा उसका काम तमाम कर दिया जाएगा। सेना का लक्ष्य साफ है, जहां दुश्मन को देखा ठिकाने लगा दिया। खबर मिली कि आतंकवादियों ने गांव को कब्जे में ले रखा है, फौरन एक हेलीकॉप्टर की मदद से सेना के जवान अपने मिशन पर जुट गए। माहौल वैसा, हालात वैसे जैसे जंग का मैदान हो। इसको सिर्फ एक ड्रिल समझना गलत होगा, और जिस तरह का तालमेल भारत और अमेरिका की सेना ने इस युद्ध अभ्यास में दिखाया वो अब दुश्मनों के लिए काल बन बरसेगा। सूचना आई है कि किसी क्षेत्र में कुछ आतंकवादी घुसे हैं, कहीं पर लोगों को बंधक बनाया है, तो अब हेलीकॉप्टर से एक टीम रवाना होगी और उस क्षेत्र में उतारी जाएगी। और पूरी तैयारी है, देखिए ये MI-17 भारतीय वायुसेना का तैयार हो चुका है। इस वक्त भारतीय सेना का MI-17 पहुंच चुका है जिस जगह पर आतंकवादियों के होने की सूचना थी, वहां पर उससे पहले ये सेना की जो घातक टुकड़ी है, जो स्पेशल फोर्सेस के जवान गए हैं, उनको स्लेदरिंग कराई जाएगी, उनको उतारा जाएगा। अब यहाँ से स्लेदरिंग करते हुए आपको ये तमाम जवान दिखते हैं, ये देखिए ये पहले जवान उतर चुके हैं, पूरी टीम यहाँ पर उतरेगी और जहाँ ऑपरेशन में इनको भेजना है वहाँ ये लोग अपना मोर्चा संभालेंगे। स्लेदरिंग पूरा हेलीकॉप्टर का जो आप ट्रेनिंग देख रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑपरेशन के लिए। और इस तरह से जवान यहाँ पहुँचे हैं, अपने हथियार भी संभालने हैं, खुद को भी संभालना है, इस हाई एल्टीट्यूड पे हवा का दबाव भी है, इन सारी चीज़ों के साथ आपको स्लेदरिंग करते हुए उस जगह पे पहुंचना है जहां पर आतंकवादियों के होने की सूचना मिली है। हेलीकॉप्टर से हवा के रास्ते गांव में पहुंचे तो उस गांव को चंद पलों में सेना ने घेर लिया, जिसे मुक्त कराने के मिशन पर ये जवान थे। इस काम में इनका साथ दिया उन डॉग्स ने, जो हैं तो बेजुबान लेकिन ये सेना के सबसे लीथल वेपन कहलाते हैं। इस वक्त देखिए पहले घर में अब सेना घुस रही है, इसमें भारतीय सेना और हिंदुस्तान की सेना है, और पहले घर के अंदर घुसने की कार्रवाई शुरू हो रही है। स्नीफर डॉग्स भी साथ में लिया गया है, स्नीफर डॉग्स पूरी तरीके से ट्रेंड है। और देखिए सबसे पहले स्नीफर डॉग अंदर गया, स्नीफर डॉग ने एक आतंकवादी को पकड़ा है, देखिए एक आतंकवादी को पकड़ा गया है यहाँ पे, और ये देखिए आप किस तरह से आतंकवादी को पकड़ा गया है, और इस आतंकवादी को छोड़ने को तैयार नहीं है, पूरी तरीके से पकड़ लिया है। और यही भारतीय सेना के वो जाबाज हैं जो बिना जुबान के देश की रक्षा करते हैं, और पूरी तरीके से देखिए आप न्यूट्रलाइज कर चुका है, और अब उसको ये, और ये देखिए हथियार लेकर जा रहा है वो स्नीफर डॉग, हथियार लेकर जा रहा है। तो पत्थरबाजों के लिए भी सेना के पास अपनी ही एक ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया है, एक दीवार जो पत्थरों से तो बचाएगी ही, देश विरोधी पत्थरों के खिलाफ सेना के लिए ढाल भी बनेगी। ये देखिए आप किस तरीके से पत्थर मारे जा रहे हैं, ऐसे ही जम्मू कश्मीर में आप देखते हैं जब सेना कार्रवाई करती है तो इस तरीके से पत्थर मारे जाते हैं, और इसी तरीके की CI विलेज में अपनाया गया है कि अगर सेना जब घर में घुस रही है तो कैसे वहां पर न्यूट्रलाइज किया जाएगा जो पत्थरबाज आ गए। अब आप देखिए दूसरी ओर से पुलिस के जवान भी आए हैं जो इनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस वक्त ये नज़ारा बताता है जम्मू कश्मीर में किस तरीके से जब सेना कार्रवाई करती है तो कैसे वहां पर पत्थरबाजी होती है। और
और अगर किसी जगह पर जब जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन हो और इस तरह की कार्रवाई हो तो आप कैसे काम करेंगे? ये स्पेशल तरीके से जो पूरा नेट है उस नेट को लेके टीमें चल रही हैं आगे, और किसी भी तरीके से पत्थर का कोई असर ना हो, ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो दूसरी टीम एक स्निफर डॉग्स के साथ दूसरी टीम यहाँ से आ रही है, तमाम जगह को सर्च किया जा रहा है, हर घर को सर्च किया जा रहा है। तकनीक, ताकत, तरकीब, जज्बा और देशभक्ति से परिपूर्ण जोश, देश की सेना यूं ही नहीं सम्मान पाती, हर हिंदुस्तानी के लिए दिल में जगह बनाती। ये तस्वीरें तो सिर्फ एक ट्रेलर भर है, पूरी पिक्चर को अगर सेना ने दिखा दिया तो इतना तय है कि सामने कोई दुश्मन नहीं बचेगा। जोशीमठ के औली से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।